बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ुबैर अली अज़ोर 234। और आज फिर से कॉरेस्पॉन्डेंस गेम की तरफ चलते हैं और देखते हैं। मैंने 49 गेम्स इस वक्त एक साथ खेल रहा हूँ। 14 दिन में एक आधी बारी चलानी होती है, तो इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती चलाना। और हर गेम में एक ही बारी चलानी है 14 दिन में, तो इतना कोई मसला नहीं है। तो पहली गेम कौन सी सेलेक्ट करें? कोई भी सेलेक्ट कर लें, जिसने बारी चलाई होगी उसी गेम तो सामने आ ही जाएगी। तो ये तो बारी हम चला चुके हैं यहाँ पर। अजीब गेम है ये, सामने 1846 की रेटिंग का प्लेयर है भाई, बड़ा प्लेयर है। सौ स्विच पे रख दें पहले, अब ठीक है। अच्छा जी, दूसरा प्लेयर 1687 की रेटिंग का है और इसने कैरोकॉन डिफेंस सेलेक्ट किया है। तो इस लाइन में तो हमें अपना पहले घोड़ा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सब पॉन आ सकता है किंग क्वीन के आगे वाला। तो पहले इसको आगे निकाले, किसको आगे निकालने के लिए हमें टुल्ले को आगे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वरना इतनी कोई खास अच्छी पोजीशन नहीं बनेगी। तो पहले तो ये करते हैं कि पॉन को आगे बढ़ा देते हैं। गेम थोड़ा सा सिसिलियन डिफेंस की तरफ चला जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, हमने इस लाइन पे बहुत ज़्यादा खेला हुआ है। और ये क्वीन गैम्बिट अभी स्टार्ट हुई है 1813 की रेटिंग के साथ, और यहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बड़ा प्लेयर है। और क्या करें इसके सामने, पहला मूव क्या खेलें? घोड़ा के बढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम है, यहाँ से जाए वहाँ से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सेंटर लाइन ख़राब हो सकती है अगर उसको पॉन कैप्चर, उसके बाद हम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ऊन को नहीं निकाल सकते ब्लैक वाले को, क्योंकि उसका काउंट शायद आ जाए नेक्स्ट बारी में। घोड़ा निकालेंगे तो पेन उन्हें खतरा है, पेन हटाएंगे तो फिर उसका काउंट भागेगा और पता नहीं बहुत कुछ। हाँ ये हो सकता है कि उस काउंट को भगाएं, तो घोड़ा निकालना सही है भी और नहीं भी, ठीक है चलेगा। घुमा फिरा के हम गेम वहीं ले आएंगे। अच्छा यहाँ पे जो ये जो गेम है शेब्राओ के साथ, ये मैं आपको गेम थोड़ी सी पीछे करके दिखाऊं कि वही गेम है जहाँ पे मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा था मैं लास्ट वीडियो के अंदर? हाँ लास्ट वीडियो के अंदर मैं इस जगह पे आके फंस गया था और मैं सोच रहा था कि मुझे क्या चलाना है। तो यहाँ से जब गेम कंटिन्यू हुआ तो फिर मैंने इसे हमने एक सवाल किया था आखिरी आखिरी वीडियो के एंड में कॉरेस्पॉन्डेंस की, कि काम करते हैं इसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि तू इसको मारेगा या यहीं खड़ा रहेगा। तो वो ये सवाल था और इसने इसका जवाब इस तरह दिया कि मैंने घोड़ा कैप्चर कर लिया, मेरी रानी आ गई, उसके बाद इसने कासल किया, मैंने पोजीशन बनाई, इसने किल, मैंने एक और किल किया और उसे पॉन पुश कर दिया। अब ये बड़ी ख़तरनाक पोजीशन थी कि इसने पॉन पुश किया था, मतलब ये था कि हाँ तू अपने वजीर लेके आगे आ जा और मेरे टुल्ले आगे बढ़ के अब रानी बनेंगे, ये इसका मकसद था। उसके बाद मैंने पोजीशन बनाई थी, एक थ्रेड बनाई थी कि मैं नेक्स्ट बारी के अंदर जो है अगर ये ऐसे नहीं करता तो मैं इस ऊंट को यहाँ पे रख देता, इसको मजबूरन टुल्ला आगे करना पड़ता या रानी रखनी पड़ती, कुछ भी करता ये तो फंसता बुरी तरह, ये पॉन भी आगे आ सकता था। जैसे कि ये ऊंट यहाँ चला गया तो ये टुल्ला आगे आ गया, इसकी रानी और ऊंट में तो कोई एक चीज़ बचती, तो इस तरह का कुछ पोजीशन बन रही थी। लेकिन इसने पहले ही इसको यहाँ कर दिया, जिससे इसकी गेम सेफ हो गई, बड़ा प्लेयर है जाहिर सी बात है, तो उसने खुद को सेफ किया। और जब मैंने जब इसने उसको सेफ कर लिया तो मैंने इस पर अटैक स्टार्ट कर दिया। अब इसने अटैक जब मैंने इस पर किया तो उसने पॉन से कैप्चर कर लिया, इसने पॉन को कैप्चर कर लिया, मतलब मेरी पॉन पोजीशन और ज़्यादा ख़राब कर दी। लेकिन इसने ये की थी ताकि एक्सचेंज हो जाए पीस, लेकिन इसने ये नहीं देखा कि जब मैं इसको एक्सचेंज कर रहा हूँ पीस को, अब ये ऊँट तो खा सकता है लेकिन इसकी दीवार बेचारी मारी गई, और इस बड़े प्लेयर की गेम जो है वो इस तरह से थोड़ी ख़राब हो चुकी है। और फिर मैंने जो है ये पॉन सेक्रीफाइस किया, ये पॉन रखने का तो मेरा वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर मैंने इसको ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसको जब यहाँ लाया तो मेरे दिमाग में अच्छी चाल बन रही थी कि मैं इस ऊँट को यहाँ पर कर दूँ, लेकिन फिर मैंने जब चाल पे गौर किया तो देखा कि मैंने कि कुछ इस तरह से हो रहा था। पोजीशन अच्छी थी ये भी, बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे थोड़ी सी और अच्छी और थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहिए थी, क्योंकि ये फिर भी एक इक्वल मामला हो जाता, उसके बाद दो पीस होते, मेरे पास दो पीस होते, फिर भी एक इक्वल पोजीशन थी। तो मैंने इसको कैप्चर ही कर लिया, कैप्चर इसलिए किया अब जो है पोजीशन इक्वल नहीं है, अब मेरे पास तीन पीस हैं और उसके पास दो पीस हैं, तो मेरी गेम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई। और फिर अब मैंने इसको ये सवाल पूछा है कि यार अब तुझे क्या करना है, तो फिर इसने किया ये, मैंने आगे बढ़ाया, इसने पीछे किया, अब मैंने इसको पीछे इसलिए किया ताकि ये इसको यहाँ कहीं पुश ना कर दे, इसको इसको पुश ना कर दे, पुश करके दर सी बातें मैं मार दूंगा, तो मैंने इसको इसलिए यहाँ किया था। उसके बाद इसने क्या किया, इसने इस पॉन को पुश किया, क्योंकि इस पॉन को तो मैं खा ही नहीं सकता, और अब जो है बारी मेरी है। आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोप वाले ऑप्शन के अंदर आए, और यहाँ पे हम जो भी बारी खेलेंगे तो नीचे हमसे पूछेगा कि इसको सेव करके चलाना है कि नहीं चलाना है। तो अब हम वो वेरिएशन खेलेंगे, देखेंगे कौन सी वेरिएशन है जो इस चाल पे सही बैठेगी, क्योंकि उसका पॉन स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और हमारे जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर उसका पॉन आगे बढ़ गए, तो हमारा एक आधा वजीर तो इन पॉन्स के चक्रों में मार ही जाएगा। तो हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चेकमेट पोजीशन बनानी है, उसके लिए जो है हमें कुछ शायद सेक्रीफाइस करने पड़े।
लेकिन हाल फिलहाल जो मुझे पोजीशन दिख रही है वो कुछ इस तरह की है। तो मुझे अब ये करना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि अब ये पॉन कोई कुछ नहीं कर सकता, इसके दो पॉन मर जाएंगे। तो ये मेरे लिए इस वक्त सिंपल है, लेकिन ये आ सकता है। अगर ये आया फिर तो बहुत मुश्किल है कि ये गेम में बचे भी। और अगर कुछ और आया तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं तो कैप्चर करूँगा, ये इस तरह से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसको ये करता हूँ तो ये तो नहीं आ सकता। हाँ ये ज़रूर आ सकता है, ये पोजीशन ज़रूर आ सकती है, 100% आ सकती है, क्योंकि ये अच्छी पोजीशन है, बुरी पोजीशन नहीं है। क्योंकि अब मैं पॉन कैप्चर नहीं कर सकता, और ये रानी को आगे बढ़ाएगा तो वहाँ पर चेकमेट हो जाएगा, ईजिली हो रहा है। तो ये मेरे दिमाग में है कि हाँ ये जो इस वक्त फोर्स मूव जो कहलाते हैं ना कि मजबूरन चलाने पड़ेंगे सामने वाले को, तो वो ये मजबूरन वाले मूव है। अगर वो गलती करेगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन मजबूरी में अगर वो सही मूव चलाएगा तो वो ये वाले सही मूव है जो वो चलाएगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा बेहतर मूव है, ना अच्छा ना बुरा, बस सही है ये मूव। अब उसमें मजबूरी होगी इसकी कि ये इसको यहाँ पे रखेगा, और मैं इसको फिर यहाँ पे पड़ा रहने नहीं दूंगा, मैं इसको इसे कैप्चर कर लूँगा। ये फिर भी कैप्चर नहीं कर सकता, अगर कैप्चर करने जाएगा चेकमेट हो जाएगा। ऊँट ने जो है पूरी थ्रेड बनाई हुई है रानी के साथ जाकर चेकमेट करने की। तो इस तरह की पोजीशन आ सकती है अगर ये अपना पॉन बचाने जाता है, या सपोज़ मैं इसको यहाँ से लाता नहीं हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको कैप्चर कर लेता तो भी चेकमेट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ये चेकमेट हो रहा है। तो पोजीशन इस वक्त तकरीबन मेरे हाथ में ही है, और ये इस तरह भी कर सकता है, लेकिन इस तरह करने जाएगा तो डायरेक्ट चेकमेट ही हो जाएगा। ये देखें, तो ये मिस्टेक्स होंगी जो वो बड़ा प्लेयर नहीं करेगा। इस पोजीशन में अगर मैं गेम को ले आता हूँ किसी तरह और उसका पॉन किल करने जाता हूँ तो हो सकता है रिज़ाइन कर दे। इसकी उम्मीद में कर सकता हूँ कि हाँ वो रिज़ाइन कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इतने ही प्री मूव्स काफ़ी हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं और प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जब वो ये वाले मूव चलाएगा तो यही मूव कंटिन्यू होंगे, और अगर वो ये मूव नहीं चलाएगा तो कोई और मूव फिर मुझे बाद में खेलने पड़ेंगे। तो पीछे जाते हैं स्क्रीन पर, ये मूव हमने चला दिया, और अब ये कुछ नई गेम्स हैं, ये भी कुछ अच्छे प्लेयर्स ही हैं, बुरे नहीं है। अच्छा यहाँ पे जो है एक मेन लाइन चलती है रूल ऑफ पेस की, तो वो चला तो दूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरा सामने वाला जो है वो सिसिलियन पे चला जाए। अगर सिसिलियन पे गया तो फिर गेम गुत्थम गुत्था हो जाएगी। तो इस वक्त तो बेहतर ये होगा कि मैं इसका जो है पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगाड़ूँ, रानी को निकाल के और थोड़ा सा घुमाऊँ, क्योंकि बड़ा प्लेयर है, हो सकता है घूम जाए। 1736 की रेटिंग है, इसको ज़्यादा बड़ा प्लेयर भी नहीं कहेंगे और बिल्कुल छोटा प्लेयर भी नहीं कहेंगे। मतलब ये वो प्लेयर होते हैं जो लाइन्स पे खेल लेते हैं लेकिन पीसीस भूल जाते हैं। तो अगर ये पीसेस भूलेगा तो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं इसको पहले रूल ऑफ पेस लाइन दिखाऊंगा, लेकिन रूल ऑफ पेस चलाऊंगा नहीं, प्री मूव्स कुछ इस तरह के होंगे। इसके भी प्री मूव्स करके देख लेते हैं कहाँ गया ये, या प्री मूव्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन ये आना चाहिए था। फिर तो हम इसको कन्फर्मेशन से हटाते हैं। हाँ अब आया प्री मूव्स का ऑप्शन, तो ये कुछ इस तरह की लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे हम फिर ये करेंगे, यकीन है इसको कैप्चर करेगा, हम इसको कैप्चर करेंगे, ये इसको कैप्चर कर सकता है, करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म मूव्स हो गए। अब मुझे 2 दिन के बाद ये वाली बारियाँ कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अब जैसे वो बारी चलाएगा मेरी बारी डायरेक्ट उसके सामने चली जाएगी, और उसे फ़ौरन वो बारी खेलने का मौका मिल जाएगा। जैसे मैं जिस लाइन पर खेलने की जो कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसने उसी तरीके से खेला तो ये सेम मूव आ जाएंगे, उसके बाद ये कैप्चर हो जाएगा और ये भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन लाइन चलती है वो कुछ इस तरह से चलती है। ये देखें ऐसा कि मिलना है, इसमें मजबूरन वापस जाना पड़ता है, उसके बाद फिर ये चेक आ जाता है, चेक आएगा तो ये निकलेगा, ये आएगा तो ये यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल डबल थ्रेट है, कोई भी नहीं रोक सकता, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तो उसके लिए ये फिर ये ऊँट ही बाहर निकलेगा, मजबूरन ये मरेगा, उसके बाद उसको कैप्चर किया जाएगा और फिर ये घोड़ा बाहर आ जाएगा। इतनी सारी वेरिएशन हो सकती हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो ठीक है, मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, और नाइट F3 सही मूव था तो वो उसको कंफर्म ही कर देते हैं। अब ये देखने किस लाइन की तरफ जाते हैं, 2 लाइनें हमने चला दी हैं। अगर गेम उसी जगह से बढ़ा तो फिर इस तरह से गेम आगे निकलेगा। और अब तीसरा गेम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ओ, ये थोड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी लाइन चल रही है। अब मैं इस पोन को बचाने जाता हूँ तो ये पोन तो मरेगा ही मरेगा, इस पोन का तो कुछ भी नहीं हो सकता। और
और क्या हो सकता है, अगर मैं इसको कैप्चर करूँगा तो इसका इसकी दीवार सामने आ सकती है, इसका ऊंट सामने आ सकता है, और क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वेरिएशन खेल के देख लेते हैं एक दफ़ा, तो थोड़ी सी हार्ड है ये। तो अगर हम इसको कैप्चर करते हैं, सपोज़ ये आ गया, और फिर हमको ये मजबूरी यहाँ करना पड़ेगा, और उसके बाद ये आ सकता है। इसको हम अगर पिन करने के लिए जाते हैं, पिन करने के लिए जाते हैं, तो फिर ये आ सकता है, और ये बहुत ख़तरनाक ट्रैप बन जाएगा उसकी तरफ से, क्योंकि अगर हम इसे कैप्चर करेंगे भी तो ये हो जाएगा सीन हमारे साथ। उसके बाद इसको कहाँ भगाएंगे, यहाँ भगाएंगे, देख लो भाग के भाई, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस तरह से इतनी डेंजरस लाइन आ रही है। अब अगर मैं इसको कैप्चर करता हूँ तो रानी गई, और अगर रानी को हटाता हूँ तो ये गई दीवार, मजबूरन रानी से मारना पड़ेगा, ये ऊँट से मारे गई नहीं, ये रानी सामने रख देगा, क्योंकि मैं इसकी रानी मार नहीं सकता, ऊँट से पिन हुआ बादशाह। ठीक है, ये देखिए रानी पे क्लिक किया मैंने, सिर्फ उसको मार सकती है रानी, उसकी रानी को नहीं मार सकती, इतनी ख़तरनाक चाल हो जाएगी मेरे लिए। तो इसीलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन पे आया, और मैंने गेम को दिमाग में थी मेरे कैसा कुछ हो सकता है, तो मैंने खेल के देख लिया यहाँ पे कि इसमें कुछ ऐसा होने वाला है। तो मतलब कि इसको कैप्चर करना बेवकूफ़ी है। अब इस मूव में क्या करना है, अब ये बहुत सोचना पड़ेगा क्या करें, यहाँ क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। अच्छा मैं इसको खाता हूँ, आपने सोच रहे हो कि ऊँट निकला था, दीवार क्यों नहीं आई इसको भगाने के लिए। चलो ये दीवार आ गई, ये हो गया। अब इस घोड़े को आगे कौन लेके आ रहा है, कोई भी नहीं लेके आ रहा, इसीलिए ऊँट चलाया था, क्योंकि ऊँट आगे ला सकता है उसको, घोड़े को दीवार नहीं ला सकती आगे। जो परफेक्ट मूव्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, कभी भी सामने वाला प्लेयर अगर अच्छा होगा ना तो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, वो अटैक सोचेगा 3-4 मूव्स के बाद वाला, कि 3-4 मूव के बाद क्या अटैक बनेगा वो सोचेगा। तो ये 3-4 मूव के बाद बनने वाले अटैक्स हैं, बड़े डेडली होते हैं। इसलिए आप लोग जब किसी अच्छे प्लेयर के सामने खेलते हो और वो आपको पनिश कर रहा होता है, बुरी तरह से पीट रहा होता है, तो आप सोच रहे होते हैं यार हमने सब सही तो चलाया था, हमने गलत क्या चलाया था, गलत आपने कुछ नहीं चलाया था, उसने प्लान अच्छा किया था, आपसे 3-4 चाले आगे सोच रहा था वो, ये फ़र्क होता है। तो इसको कैप्चर करना हो तो मैंने देख लिया, अगर उसने ऊँट चला दिया तो फिर तो मैं गया, फिर तो बचने का चांस नहीं है। और इस मूव के अंदर मुझे लगता है कि मुझे जो है इस जगह पे, जहाँ पे ऊँट आके और फिर घोड़े को लेके आ रहा था, तो इस जगह को बंद कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे घोड़ा नहीं आ सके, क्योंकि एक मूव तो हम बच लेंगे, दूसरा नहीं बच पाएंगे, ये मसला हो जाएगा। अगर इसको मारेंगे तो फंसेंगे, नहीं मारेंगे इसको सेव करेंगे किसी और तरफ से, किसी और स्टाइल में, तो बच सकते हैं, चांस है। तो क्या मूव होगा वो, अब यहाँ पे मैं अपना ऊँट लेके आ जाऊँ, लेकिन घोड़ा आ जाएगा, और घोड़ा ऊँट मेरे ऊँट या फिर मेरी दीवार पर अटैक करेगा, पूरा दीवार बचानी पड़ेगी, और फिर दीवार पर हमले होंगे, और टुल्ला आगे करता हूँ तो थोड़ा सा चांस रहेगा, फिर भी शायद बचने का चांस होगा। तो इस टुल्ले को आगे बढ़ा के देखते हैं, एक वेरिएशन खेल के देखते हैं। ये आया, ये आया, ये आ गया, फायदा हमारा कुछ नहीं हुआ। अब अगर हम इसको मारने जाते हैं तो फिर वही लाइन, ये आया फिर ये आया, फोर्स मूव्स हैं। अब यहाँ पे जो है ये ऊँट आ सकता है, ठीक है, और इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा यही होगा, पहले तो फिर हम ये मारेंगे, ठीक है, उसके बाद ये इसको यहाँ करेगा, मारेगा नहीं क्योंकि इसको अपनी दीवार बचानी है। लेकिन नहीं, इसके पास चॉइस है ऊँट और दीवार की, तो दैट्स रानी और दीवार की, दीवार तो इसकी वैसे ही मर रही है, उसको तो बचा सकता नहीं है। हाँ यहाँ पे वो ये कर सकता है, बदले में अगर मैं ये करूँगा तो वो ये कर सकता है, इक्वल पोजीशन होगी, लेकिन वाइट के पास पॉन ज़्यादा है, फिर भी गेम में हार रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए, सही मूव क्या होगा, सही मूव क्या होगा यार, एक ऊँटी सही मूव में और वो भी गलत तरफ जा रहा है। लेकिन ये कि वाइट ऊँट मरेगा, दीवार नहीं मरेगी, लेकिन उस वेरिएशन में भी कुछ और भी हो रहा है, कुछ और भी हो रहा है, क्या हो रहा है ये, नहीं ये नहीं खेल सकते, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सामने से ये आ ही नहीं सकता, ये नहीं आ सकता, हाँ ये नहीं आ सकता, हाँ यार ये नहीं आ सकता, ये देखो ये मूव मिल गया मुझे, ये नहीं आ सकता, इसको यहाँ भी रखेंगे तो ये घोड़ा यहाँ नहीं आ सकता, उसके नतीजे में ये आ सकता है। और फिर हम इसको कैप्चर कर सकते हैं,
ये लाइन थोड़ी सी सही लग रही है, ये लाइन थोड़ी सी सही लग रही है। अच्छा उसमें ये हो सकता है, उस लाइन में ये हो सकता है, इसको तो हम सीधे ही पहले पिन से हटाएंगे। ठीक है ये परफेक्ट मूव है, इस लाइन को हम वेरिएशन में डाल देते हैं। अब जब वो बारी चलाएगा तो उसको यही गेम खेलने को मिलेगी। बस मेरे ख्याल में आज की गेम हो गई, ये ऑटो सेलेक्ट कर दिया, नहीं हमारे पास अब ये गेम और है। अच्छा इसके घोड़े जिस पोजीशन में आए हुए हैं तो थोड़े से ये डिस्टर्ब करने वाले घोड़े हैं, तो इन घोड़ों को भगाने का सिंपल सिंपल तरीका ये कि इनको एक कदम आगे कर दिया जाए और ये घोड़े खुद ब खुद पीछे हो जाएंगे, अब मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऊँट ने इसका रास्ता बंद किया हुआ है। दिखा देता हूँ, ये ऊँट है, ये रास्ते से बंद किया हुआ है, जब ये टुल्ला आगे बढ़ेगा तो फिर ये रास्ता भी खुल जाएगा। तो ये दोनों घोड़ों में से कोई भी इन दो पोजीशन इन ऊँट की रेंज में नहीं आ सकता, वरना मर जाएगा। इसको हाल फिर अपना एक घोड़ा हटाना है। तो ठीक है इस लाइन पर हमें प्री मूव से जाने की जरूरत नहीं है, एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है, एक एक तरह से नॉर्मल मूव्स हैं ये। अच्छा यहाँ पर मैं कैप्चर करूँ, ये घोड़े को निकालेगा बाहर, ये निकालेगा अपने घोड़े को, अगर मैं यहाँ पे पीस सेक्रीफाइस कर दूँ तो मेरा ऊँट खुल जाएगा, मेरे लिए अच्छा है। एक टुला उसका मरा है, नहीं एक टुला हमारा मर चुका है, एक टुला और मरवाना पड़ेगा इसके ऊपर, और 1500 का कोई रेटेड प्लेयर है। तो थोड़ी सी चीटिंग करके बताता हूँ, चीटिंग ये होगी कि हम सामने वाले की गेम्स नहीं देखेंगे, उसका रैंक देखेंगे कि वो कितने लेवल का प्लेयर है, किस तरह की गेम्स खेल सकता है। तो उसी की फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से, उसकी प्रोफाइल में जाएंगे, तांग शांग करेंगे, और ये हमने तांग शांग की। अच्छा इस प्लेयर की रेटिंग जो है तकरीबन 1600 से थोड़ा ऊपर ही जा रही है, अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है। तो हम इसके सामने थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, रानी को निकाल के उसको शेयर देख के अपने पीसेस वगैरह, रानी को ना निकालें तो बेहतर ही है मेरे हिसाब से, तो ये पीस परफेक्ट है, ये कन्फर्म कर देते हैं। और मेरे ख्याल मेरा कज़न जो है, नहीं ड्यूक स्टीमर, ड्यूक स्टीमर अच्छा प्लेयर है, इसके साथ एक गेम और हो जाएगी, अभी ऑनलाइन है, अगर ये आ गया तो मज़ा आ जाएगा। लास्ट गेम इसने ड्रॉ की है मेरे साथ, ये पता नहीं मैंने ड्रॉ किया इसके साथ, कुछ याद नहीं आ रहा, मतलब गेम देखनी पड़ेगी कि हमने इसके साथ ड्रॉ क्यों की थी। एंड पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं वाइट में हूँ वो ब्लैक में है, मैं वाइट में हूँ वो ब्लैक में है, मैंने उसको चेक दिया उसका बादशाह हिला है, और मैं उसको पॉन खाने जा रहा हूँ, मतलब कि मैं जीत रहा था और मैंने ड्रॉ कर दिया। अरे ये वीक प्लेयर है, इसको गेम खेलनी नहीं आती, और ये सेकंड गेम भी हारने वाला था, तो मैंने इसको उसका दिल बहुत छोटा हो रहा था, तो मैंने इसको गेम ड्रॉ कर दी, तो ये बड़ा खुश हो गया था, इसी वजह से आज दोबारा आया, इसने कुछ चैलेंज भेजा है, ये चैलेंज नहीं खिलाएगा, फ्रेंडली मैच होता है एक तरह का। ठीक है ये तो समझ गया, स्टूडेंट है मेरा मैक्सिको का, मैक्सिका नहीं है, रहता यूएसए में, और नहीं सॉरी ये यूएसए का है और मैक्सिको में किसी काम वाम से गया है। अच्छा अलजेंड्रो, इसका मेरा पहले ही गेम है, मैं नहीं जानता किस तरह का प्लेयर है ये, लेकिन 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 इसकी पोजीशन थोड़ी सी टाइट कर सकता हूँ मैं, और ये मेरी पोजीशन टाइट करने के लिए आ रहा है, तो पहले तो इसको ब्लॉक करते हैं, ये हो गया ये ब्लॉक। ये क्या है भाई, ये कौन सी गेम चल रही है, सैंडर यारोव, मैं इसके साथ एक गेम जीत चुका हूँ पहली गेम, और दूसरी गेम ये जीता है, मजे वाले प्लेयर है। अच्छा इसने जो है क्या किया, इसने यहाँ पे एक अच्छी मूव बन रही है, एनालाइज बोर्ड पे दिखाता हूँ, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो देखिए पहले मैं ये चलाऊँगा, मजबूरन ये पहले से मारेगा, उसके बाद मैं इसको दूंगा यहाँ पे चेक, ये खाएगा चेक यहाँ पे, उसके बाद मैं इसको चलाऊँगा, और ये क्या करेगा, घोड़ा चला सकता है, जब ये घोड़ा चलाएगा तो मैं इसे घोड़े को भगाऊँगा, और मजबूरन ये क्या हरकत कर सकता है यहाँ पे, मजबूरन मेरे हिसाब से तो ये इसको यहाँ पे तो लाने की गलती नहीं करेगा, आगे ये इसको लेके जाएगा पीछे, ये इसको यहाँ लेके जाएगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये करेगा, ये करेगा, उसके बाद ये कर सकता है, अच्छी मूविंग पोजीशन है, लेकिन मैं कैप्चर डायरेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा घोड़ा उस जगह पर खड़ा हुआ है, रानी को सपोर्ट कर रहा है,
तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि रानी को, मैं सोचा मारूँ उसका एक पीस डेवलप करा लूँ, मैं अपना एक पीस डेवलप करूँगा पहले ये, फिर जब ये कैप्चर करेगा तो फिर मैं इसको कैप्चर करूँगा, इससे मेरी पोजीशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी, उसको गेम खोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा फिर ये इस तरह से चेक दे सकता है, मेरे लिए सिंपल सिंपल मूव होगा, बादशाह को एकदम ऊपर कर देना, क्योंकि उसके पास वाइट ऊँट नहीं है, उसके पास रानी नहीं है, तो वाइट ब्लॉक पे वो क्रॉस में जाके और मुझ पर अटैक नहीं कर सकता, तो कासल करने की बेवकूफ़ी करनी नहीं है इस गेम के अंदर, सिर्फ अपने पीस डेवलप करने हैं। नेक्स्ट मूव के अंदर ये कर सकता है, ये इसलिए करेगा कि मैं या तो घोड़ते उसको कैप्चर कर लूँ, ठीक है, या फिर वो मेरा पॉन कैप्चर करे, अब जाके ना मैं अपना पॉन तो गंवाना नहीं है, लेकिन इस पोजीशन के अंदर हमारा पॉन बच ही नहीं रहा, उसके लिए हमें क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। लेकिन गेम यहाँ तक पहुँचेगा कुछ पता नहीं है, जब पहुँचेगा तब देखेंगे, तो हम यहाँ से बस इस पोजीशन तक जाते हैं और यहाँ पे गेम को सेव कर लेते हैं, दैट्स इट, और बाड़ी चला देते हैं, उसके बाद जो होगी देखी जाएगी। चार पांच मूव हम चला चुके हैं शायद, या जब पाँचवें मूव के बाद हमने कितने मूव चलाए कुछ पता नहीं, बहरहाल जो भी है, नेक्स्ट हुज नेक्स्ट, वो बड़ा डेडली प्लेयर है यार, ये सोचता कुछ हूँ चलाता कुछ है, बुरा हाल कर देगा ये तो, इसका ये पॉन तो नहीं बचेगा, इस बात का तो मुझे पक्का यकीन है, इसका पॉन तो मैं हर हाल में कैप्चर करूँगा ये। अच्छा मुझे एनालाइज बोर्ड पे जाने की अब जरूरत नहीं है उसके सामने, क्योंकि जो खतरनाक मूव्स थे वो गए। अच्छा जी टर्न योर नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट वेरिएशन, व्हाट इज द नेक्स्ट वेरिएशन, ही डोंट हैव अ नाइट हियर, सो वेयर कैन आई गो, अमीगो। अच्छा तो घोड़ा जो है वो C6 पे आ रहा है, C6 पे कैसे रुकेंगे, C6 पे अगर नहीं रुकेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक छोटे से ट्रैप पे पीछे जाएगा, जो कि नॉर्मल लाइन में लोग फंस जाते हैं, मैं तो फंसने वाला हूँ नहीं उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि वो ट्रैप क्या ट्रैप है, पहले घोड़े को रुकेगा C6 पे, और ये फिर उम्मीद करेगा कि मेरी रानी जाए C3 पे, और फिर ये अपना जो बिशप है ब्लैक वाला ऊँट उसको उठा के ये B4 पे रख देगा, उसमें फोर्स हो जाएगा मेरी रानी का मरना पक्का, जो कि होने वाला नहीं है मेरे साथ तो बिल्कुल भी। तो इस पोजीशन में हमने से घोड़े को तो रोक नहीं सकूंगा, क्योंकि तो कोई पॉन है नहीं उस तरफ जाने वाला, ऊँट है, ऊँट में गवाऊंगा नहीं। हाँ ये कि मैं चेकमेट की थ्रेड बना सकता हूँ, उस पर ये कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेगा, क्या रिएक्ट करेगा आई डोंट नो, लेकिन करेगा ज़रूर, तो पहले ऊँट डेवलप कर लेते हैं, इससे हमारी कासलिंग पोजीशन आ जाएगी, कासल करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। और ये इसने हमें एक डेवलपमेंट मूव दिया है, पहले वो कर सकता था डेवलपमेंट अपना घोड़ा निकाल के, और हमने तो अलाव भी नहीं किया, हमने अपना एक पॉन सेक्रीफाइस कर दिया ताकि हम अपना ऊँट निकाल सकें, और ये हमने अपना ऊँट निकाल लिया, इससे हमारे पीस अब बारी जो है तकरीबन लेवल पे आ गई है, एक पीस उसका डेवलप हुआ है, एक हमारा डेवलप हुआ है। अच्छा यहाँ देखें यहाँ क्या हो रहा है, ओ ड्यूक स्टीमर, यार ये मेरा स्टूडेंट ये फिर से रानी लाके और बहुत कुछ करने के मूड में है, लेकिन नहीं होगा कुछ भी इसका, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये वही पुरानी किसी भी चाल खेलेगा, वो चाल भी खेल के दिखा देता हूँ आप लोग को, ये घरेलू चाल है जिसको चेस बोलता ही नहीं हूँ मैं, ये सिंपल डिफेंड हो जाएगा इसका, उसके बाद फिर ये इसको यहाँ पे लेके जाएगा, मैं इसको यहाँ करूँगा, फिर इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा, मैं इस पर अटैक करूँगा, फिर ये भागेगा यहाँ पे, ऐसे कुछ होने वाला है, तो ये वेरिएशन तो हम खेल ही लेते हैं, बल्कि नहीं सॉरी एक दो मिनट पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं सॉरी सॉरी मैं पूरा गलत खेला है, ये भी गलत खेला है मैंने, ये सही था, उसके बाद ये यहाँ आए ना आए कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इसको, क्योंकि चेक में तो हो ही नहीं रहा, फिर क्या कर सकता है, ये कर सकता है, ये तो गलती हो जाएगी, ये घोड़ा घोड़ा भी नहीं चला सकता, हाँ ये ऊँट निकालने की गलती कर सकता है, ताकि इसका ऊँट इस लाइन में आ जाए, अब अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको यहाँ करता हूँ कर ही नहीं सकता, देख सकते हैं यहाँ कर सकता, बस इस तरह की मूवी पोजीशन बन सकती है, चला देते शायद चल जाए, हाउ आर यू, हाउ आर यू लिखा है, हाउ आर यू लिखा है, क्या लिखा है, चाहे जो हार जो आर यू, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ओके ये ठीक है, आई एम फाइन थैंक यू, ये अदबी इंग्लिश है, आजकल की USA वाली नहीं है, ये इसको बोलते हैं UK स्टैंडर्ड इंग्लिश, हमारे स्कूल में तो ये सिखाई जाती थी भाई,
आजकल तो अमेरिकों का रिवाज चल रहा है, बच्चों को बात करने की तमीज़ नहीं है, ये बड़ों से किस तरह बात करते हैं। ठीक है, सारी बातें कंप्लीट हुई और उसी के बाद वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि अगर मैं लॉबी में जाऊंगा गेम खेलूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और गेम की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत स्लो हूँ मैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।